अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे होंगे आज टेबल पे मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, लाइक ये कुछ रिव्यू करने हैं इन चीज़ों के, और ये भी कुछ प्रोडक्ट हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ और बहुत इफेक्टिव रही मेरे लिए, और ये भी कहीं से गिफ्ट आए हैं तो बताती हूँ ये गिफ्ट कहाँ से आए हैं और रिव्यू किन चीज़ों का है। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो जी। सबसे पहले मैं बात करती हूँ अगर हेयर, आजकल सबके लिए बालों का जो मसला है ना, एक यकीन करें बेहद परेशान है सारे कि हेयर फॉलिंग हो रही है, हेयर थिन बहुत हो गए हैं और ये डैंड्रफ है, ये सारे इश्यूज़ चल रहे हैं। डिफरेंट शैम्पूज़ वगैरह मैं यूज़ करती हूँ, कंडीशनर भी डिफरेंट यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये मैं लिखी आई थी पार्मर्स का कलर ट्रीटेड फॉर ड्राई डैमेज हेयर, तो मुझे लगा कि ये बेस्ट होगा मेरे बालों के लिए, लेकिन बस ठीक है मुझे इतना कोई, क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी ड्राई हैं और ये यूज़ करके मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो जिनके बाल बहुत ड्राई हैं उनके लिए इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। और अगर मैं रेकमेंड करूँ तो ये सिल्क की जिनके बाल हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये जैसे है ये बहुत बहुत मेरे बालों के लिए तो बहुत बेस्ट है। मैं बहुत से ट्राई करने के बाद छोड़ चुकी हूँ, ये यूज़ कर रही हूँ कंडीशनर, मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहा ये अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके बाल ड्राई और डैमेज हैं, या मैं डाई भी करती हूँ, स्टिक्स भी करवाती हूँ, लेकिन मैं ये यूज़ करती हूँ कंडीशनर, मेरे लिए बेस्ट रहता है ये। ओके, हो गई कंडीशनर की बात, अब करते हैं बाथ सॉल्ट की बात। ये बहुत ज़रूरी है, ख़ुद भी यूज़ करें और बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और अलफतेह से मिल जाता है बड़े आराम से, या बाहर से अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर कोई आ रहा जा रहा है या ख़ुद आपका चक्कर लगे तो बाथ सॉल्ट ज़रूर लेकर आएँ, और यहाँ से भी अच्छे मिल जाते हैं अच्छे ब्रांड के। बाथ सॉल्ट ज़रूर यूज़ किया करें, स्किन को बहुत नीट एंड क्लीन कर देता है, बॉडी से सारी डर्ट निकाल देता है और बहुत ही नीट क्लीन हो जाती है बॉडी इसके बाद। स्पेशली फुट पे, नेक राउंड पे हर तरह से यूज़ करें, और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इचिंग वगैरह नहीं है, ज़रूर यूज़ करें अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। ओके जी, आज एनर्जी थोड़ी सी हुई हुई है, लो नींद आ रही है, नींद पूरी नहीं हुई इसलिए आज उज़्मा खान ज़रा डाउन लग रही होंगी आपको। ओके, ये हो गया थोड़ा सा बाथ सॉल्ट की बात हो गई, कंडीशनर की बात हो गई, और अब सबसे स्पेशल चीज़ जो मेरे पास है, यस ये है ज़ारा ब्यूटी ऑर्गेनिक स्किन केयर, कौन नहीं जानता इनके बारे में, तो मैंने कहा चले मैं भी ट्राई करूँ, मैं भी मंगा के देखती हूँ क्या है और क्या प्रोडक्ट हैं जिसका इतना धूम मची हुई है, इतना शोर मचा हुआ है यूट्यूब पे। तो अब ये मैं आपके सामने ही ओपन कर रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यस कट करते हैं और अब देखें मैंने क्या ऑर्डर किया है। ये पता है बड़े दिन से आया हुआ है, पता है मेरे पास, मैं बिजी थी, टाइम ही नहीं मुझे मिल रहा था, तो इसलिए मैंने अभी तक ये यूज़ नहीं किए, बस अभी मैं ये तीन प्रोडक्ट मैंने इन ऑर्डर की थी, इस तरह ये तीनों प्रोडक्ट हैं, मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ ये क्या क्या चीज़ें हैं, और इसका क्विक रिव्यू मैं ज़रूर करूँगी, डेफिनेटली मैं जल्दी से बस एक दो दिनों में ही रिव्यू करूँगी आपके साथ, ये यूज़ करके, ऐसे नहीं करूँगी यूज़ करके करूँगी, लेकिन मैंने बहुत इसके रिव्यू देखे हैं और आपने तो ख़ुद भी चेक किया होगा जो लोग यूज़ कर रहे हैं और जो यूट्यूबर्स जिन लोगों ने तारीफ़ें की हैं, और वाकई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और बल्कि मैं ओपन कर देती हूँ अभी आपके सामने ही, ओपन ही नहीं हो रहा इसके, तो बस पटाखे ही बजे जा रहे हैं, बचपन याद आ गया बचपन में जब कोई नई पैकिंग आके खुलती थी ना तो बताया कौन कौन ये ऐसे इंजॉय करता था, इस पर लड़ाइयाँ हो रही होती थी बहन भाइयों की ना कि मुझे दो मुझे दो मुझे दो मुझे दो लेकिन अब बस बड़े हो जाते हैं तो फिर ये चीज़ें इतनी मज़े की नहीं लगती क्योंकि खेल चुके होते हैं बचपन में ना, इसलिए वाओ टिंग टिंग। यस, इसका जो शोर मचा हुआ ना, मैंने भी तंगा के मंगा ही लिया, मैंने कहा चलिए मंगाते हैं यूज़ करते हैं और फिर आपसे शेयर करते हैं कि कितना इफ़ेक्टिव रहा ये मेरे लिए। राइस फेस वॉश, आपको पता है राइस बालों स्किन के लिए कितना इफ़ेक्टिव है, कितना अच्छा है स्किन क्लीनिंग के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए। मैं यूज़ करूँगी ये और फिर मैं क्विक रिव्यू करूँगी आपके साथ इसका भी। ये है मेरे पास ज़ारा ब्यूटी का राइस फेस वॉश, और ये है मेरे पास इनका ही एलोवेरा जेल, और ये मेरे पास इनका है एक्सफोलिएटर। अब खोलने में ज़रा टाइम लगेगा, मैं जब यूज़ कर लूँगी तो मैं आपसे फिर शेयर भी करूँगी। ओके, ये हो गया, ये एक ऑयल है जो मैंने ऑर्डर किया है, ये मैं यूज़ करके फिर आपसे इसके रिव्यू करूँगी, आपको बताऊँगी फीडबैक कि कैसा रहा मेरे लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ओके, अब क्या रह गया जी, एक बहुत छोटी सी क्यूट सी चीज़ें हैं लेकिन मज़े की हैं, काम की हैं। जैसे ये है, ये एक है
जब मैंने देखा तो ये मेरे पास दो चीज़ें गिफ्ट आई थी, तो मैंने कहा चले आपसे भी शेयर करती हूँ। और ये है एक कंटेनर लाइक दिस, ऐसे ये ओपन होता है, इसके अंदर आप हैंड वॉश भी, हैंड वॉश तो इतना ही इसमें बेहतर रहेगा, इसके अंदर आप फेस वॉश रख डाल सकते हैं, इसके अंदर आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, इसमें पोर करके ऐसे इसको लॉक कर दें, बॉडी वॉश डाल सकते हैं और आराम से बड़ा अच्छा सा स्क्रब होता है, बड़े मज़े का मसाज हो रहा है इससे। ये मैं यूज़ करने वाली हूँ, करके आपको बताऊंगी, लेकिन ये मुझे लग रहा है बहुत बहुत इफेक्टिव चीज़ है और सिंपल है और बड़ा सिलिकॉन का और बहुत सॉफ्ट, अच्छा सा, अच्छी क्वालिटी है इसकी ये। और ये है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बड़ी इफेक्टिव हैं, ये शेयर करनी चाहिए। अब बल्कि मैं आपको बताऊंगी, किचन के टैप, इतना प्रॉब्लम टैप कर रहा था यहाँ पर, तो मैं उसके लिए मैंने एक चीज़ मंगवाई है और बहुत अच्छी मेरे लिए वो भी, बड़ा उसने साथ दिया, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई किचन में, वरना मेड बहुत परेशान होती थी कि मैं आपसे शेयर करूँगी वो चीज़ भी। अच्छा, ये क्या है, ये फेस स्क्रबर है, इस तरह के बहुत से आते हैं, इलेक्ट्रिक वगैरह भी आते हैं, चार्जेबल भी आते हैं, ये मैनुअल है, सिंपल सा है कि आप इसमें करके फेस वॉश वगैरह अपना स्क्रब करके आप फेस इससे क्लीन कर सकते हैं। ये भी मुझे अच्छा लगा था, दो चीज़ें मेरे पास आई हुई हैं, इसका भी रिव्यू करूँगी, लेकिन मैं मुझे देख के भी आइडिया होगा कि बेहतर है ये। ओके, थर्ड इज, अब ये क्या है मेरे पास, इनकी बात हो गई, इनकी बात हो गई, सारा ब्यूटी की बात हो गई, ऑयल आपसे मैं शेयर करूंगी यूज़ करने के बाद, 15-16 डेज के बाद या महीने के बाद मैं ज़रूर आपसे आपको फीडबैक दूंगी कि मेरे लिए कैसा रहा और कौन सा ब्रांड है वो। अच्छा, ये कुछ आए हुए हैं मेरे लिए गिफ्ट, ये आपको पता है मेकअप तो हर फीमेल की कमज़ोरी है, ये ये मेरे पास पड़े हुए हैं काफ़ी दिन से, लेकिन मैंने कहा था आपसे शेयर करूंगी उसके बाद मैं फिर यूज़ करूँगी। ओ माई गॉड, इतने ग्लिटरी, इतने मज़े के इसमें कलर्स हैं, इतने अच्छे ये शेड्स हैं। वेरी सून मैं कोई लुक करूँगी और यूज़ करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी, फीडबैक दूँगी। रेवोल्यूशन का ये इसकी हो गई एक पैलेट, ये हो गया फाउंडेशन और ये हो गया हाइलाइटर, तो सबकी जान है, ये हो गया हाइलाइटर और ये हैं, इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ये इसमें आई पेंसिल्स हैं, इसमें लिप ग्लॉस हैं, मस्काराज हैं, इसमें प्राइमर्स हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे लिए आई हैं कैनेडा से गिफ्ट, तो मैंने अभी तक ये यूज़ नहीं किया, यूज़ करके मैं आपको बताऊंगी। ओह माय गॉड, इसको तो मेरा दिल चाह रहा है मैं फ़ौरन से ओपन करूँ। ओ ओ ओ, वेरी नाइस, एक्सीलेंट कलर है, ये मैं यूज़ करने वाली हूँ। आपको अभी इंस्टा पे या यूट्यूब पे मेरी पिक्स नज़र आएंगी, कोई वीडियोस भी नज़र आएंगी, इन्हीं मेकअप के साथ मैं बताऊँगी, बल्कि शेयर भी करूँगी मेकअप लुक। ये आया है मेरे लिए गिफ्ट और साथ में ये कुछ हेयर के लिए है, ये सामान भी आया है और कुछ चीज़ों का रिव्यू मैंने भी और करना है। अगली वीडियो में होती है मुलाकात, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में मुझे याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।